वेलकम बैक टू बी नेचुरल. आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ लैक्टो कैलामाइन का. तो ये इस तरह की क्यूट से पैकेजिंग में आता है. इसके बारे में बहुत सुना था मैंने और वैसे स्कूल डेज में मैं इसको यूज भी करती थी, पर मैंने इसको फिर यूज करना छोड़ दिया. बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, हम वो ट्राई करने लग जाते हैं तो पुराने चीजों को हम भूल जाते हैं. मैं इसको भूल गई थी, दोबारा से मुझे याद आया. एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी किया था इसका रिव्यू करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ लैक्टो कैलामाइन क्या है. ठीक है, तो लैक्टो कैलामाइन एक डेली फेस क्रीम लोशन है जो कि बहुत सी क्यूट पैकेजिंग में आता है. इसका बड़ा बॉटल भी आता है, ये वाला छोटा बॉटल है. ठीक है, जो इसका पर्पल कलर है ना, ये ऑयली स्किन के लिए है. और एक और आता है वो ग्रीन में होता है. ठीक है, तो वो ग्रीन वाला ड्राई स्किन के लिए होता है. और ये है लैक्टो कैलामाइन डेली फेस क्रीम लोशन. कैओलिन की थेरेपी है इसके अंदर, कोई क्ले थेरेपी है. और ये बोलता है कि ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल. आप अगर आपकी ऑयली स्किन है, बेसिकली ये वाला सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है. अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, ठीक है, और ऑयल की वजह से हमारे स्किन में पिंपल भी हो जाते हैं, एक्ने भी हो जाते हैं और डर्ट ग्राइम अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है, तो ऑयली स्किन वालों को इन सब चीजों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है. वैसे तो आपको ब्लेसिंग मानना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, कि जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उनको अर्ली एजिंग नहीं होता है, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको अर्ली एजिंग होता है. लेकिन ऑयली स्किन वालों को ये जरूर प्रॉब्लम होती है कि पिंपल्स उनके बहुत ज्यादा आते रहते हैं अक्सर, क्योंकि ऑयल आता है फेस पे उस वजह से. ठीक है, ऑयल पोर को क्लॉक कर देता है, उसके अंदर डर्ट बैठ जाता है और फिर पिंपल्स आते हैं. तो आपके फेस पे ऑयल ज्यादा ना आए या उसको कंट्रोल करे, इसके लिए ये वाला लोशन है. तो इस लोशन को लगाने से आपके स्किन के अंदर ऑयल नहीं आएगा, ऐसा ये बोल रहा है. अब सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये वाला सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है. पीछे इसके बारे में कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई हुई हैं, तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. तो ये लिखा है कि मेक योर ऑयली स्किन अ ब्लेसिंग, ऑयल बैलेंस्ड स्किन इज नेचुरली मॉइस्चराइज्ड विच डज नॉट क्रैक और फील स्क्रैची एंड गिव्स यू अ यूथफुल लुक मेकिंग इट अ ब्लेसिंग. इसके अंदर तीन इंग्रेडिएंट है, एक जिंक ऑक्साइड है, ग्लिसरिन है और कैओलिन है. तो 30 ml आपको 75 rupees का मिलता है. ये छोटी बॉटल है, बड़ी बॉटल भी आपको मिल जाएगी, तो प्राइस उतना महंगा नहीं है. ठीक है, लेकिन पहले और भी ज्यादा सस्ता आता था, अब थोड़ा महंगा हो गया लेकिन उतना महंगा भी नहीं है. और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ऐसे इसकी बॉटल खुलेगी और खोलते ही ये अंदर से ऐसा दिखेगा आपको, पीच कलर में है. तो इसके अंदर आप निकालेंगे ऐसा, कुछ ज्यादा वाटर बेस्ड लग रहा है मुझे. आई थिंक मुझे शेक कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ ज्यादा पानी पानी सा ही निकला है. हाँ, शेक कर लेना आप यूज करने से पहले, क्योंकि अभी जो मैंने निकाला ना, देखो कैसे पानी सा ये, तो मैं इसको पहले साफ कर लेती हूँ. हाँ, तो मैंने शेक किया है इसको अच्छी तरह से और अब मैं निकालूंगी तो शायद. हाँ, अब देखिए तो डार्क आ रहा है ये ना ज्यादा थिक है ना रनिंग है, ये इन बिटवीन है थिक और रनिंग के, और कलर पीच है. ये वाटर बेस है. ठीक है, तो क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड चीजें लगाएं, चाहे फेस हो या स्कैल्प हो, शैम्पू हो या कोई भी मॉइस्चराइजर हो, तो ये वाटर बेस्ड है. और इसके अंदर देखो आप थोड़ा सा टिंट देख रहे हो, ये मेरे दोनों हाथ को अगर आप कंपेयर करो तो इसके अंदर थोड़ा टिंट आ रहा है, तो टिंटेड मॉइस्चराइजर बोल सकते हैं आप इसको. और ये मैंने ज्यादा अमाउंट लिया है, अदरवाइज कम लोगे तो बहुत इजिली ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है. देखो हो गया, ये स्किन में अब्सॉर्ब हो गया, थोड़ा सा कलर इसने फेयर किया है, टिंटेड किया है, तो ये टिंटेड मॉइस्चराइजर आप इसको बोल सकते हैं. बहुत ही क्विकली अब्सॉर्ब हो गया. खुशबू बहुत अच्छी है, बेबी जॉनसन्स जैसी खुशबू आ रही है, अमेजिंग खुशबू लगी मुझे. तो अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ. आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, आप ये लगा सकते हैं. ऑयली स्किन वाले जरूरी ये लगाएं क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है. हालांकि मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के ऊपर ट्राई किया था, जब उसने लगाया ये तो उनकी ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल हुआ. शी टोल्ड मी कि ऑयल कंट्रोल हुआ और फेस पे 2-3 घंटे के लिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया. उसकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ऑयल आते ही रहता है, लेकिन ये लगाने के बाद नहीं आया. तो ऑयल कंट्रोल करता है ये. ठीक है, फेस को मॉइस्चराइज करता है अच्छी तरह से और टिंटेड मॉइस्चराइजर है. थोड़ा सा व्हाइटिश कलर भी आपके स्किन में आता है, थोड़ी देर में स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादा व्हाइट भी नहीं कर देगा. लेकिन हाँ, एक अच्छा सा लेयर आ जाएगा. तो आपको ज्यादा अगर मेकअप करना नहीं चाहते हैं, बीबी क्रीम भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिंपल सा ये लगाइए और कॉम्पैक्ट लगाइए और आप सेट हो गए बाहर जाने के लिए. ठीक है, आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं अगर आप नहीं लगाना चाहते तो. और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और खुशबू भी इसकी अच्छी आती है और बहुत अच्छे से वर्क करता है.
पिंपल्स अगर आपको है तो पिंपल्स पे भी आप इसको लगा सकते हैं. आई मीन पिंपल के जो दाग धब्बे होते हैं ना उनके ऊपर लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद आपको पिंपल्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आपके फेस पे ऑयल नहीं आएगा तो पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो पिंपल्स नहीं आएंगे. तो अगर ऑयली स्किन है आपकी तो यही, अगर आपको एक मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं ऑयली स्किन के लिए तो मुझे लगता है ये वाला तो बेस्ट है. ऑयल कंट्रोल करेगा और आपके फेस पे जितने भी स्कार्स वगैरह होंगे उसको भी धीरे धीरे टाइम के साथ अगर आप डेली इसको यूज करेंगे तो सारे स्कार्स भी जाते रहेंगे, ठीक है. और ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आपको अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो पर्पल वाला यूज कीजिए, ड्राई वाले हैं तो वो ग्रीन वाला यूज कीजिए. मुझे ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे बहुत ही अच्छा लगा. इसका अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूंगी तो साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी पैकेजिंग में मुझे ये अच्छा ही लगा कि मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा. इसके अंदर कोई पंप होता या कोई एप्लीकेटर होता या कुछ तो होता कि मैं अच्छे से एक आध मतलब निकाल सकूं इजीली. अभी मैं यहां निकालूंगी तो ज्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है. तो ये चीज इसका कॉन है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा है. क्यूट पैकेजिंग है और जो भी इसने बोला है अपने बारे में वो सब कुछ करता है, ऑयल कंट्रोल बिल्कुल करता है. तो बेशक ऑयली स्किन वाले आप ये ले सकते हैं और ड्राई स्किन वाले आप ग्रीन वाला ले सकते हैं. तो आज का था ये रिव्यू. अगर आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए. मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.